किसान भाइयों, आज हमारे यहाँ पे मशीन से ईख की बुआई चल रही है, तो हमारे चैनल पर ये वीडियो आपको पहली बार देखने को मिलेगी। और हमारे गांव में भी पहली बार हो रहा है कि कोई मशीन से ईख बुआ रहा है। तो ये ऐसी इसकी मशीन है, आप देख रहे होंगे, और ये इसमें ऐसे सीधे जो है गन्ने खड़े कर रहे हैं ट्रॉली में से डायरेक्ट। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ईख बूती है। एक खेत इन्होंने बो दिया है 5 बीघे का, और अभी ये एक खेत 5 बीघे का और बोया जाएगा। इससे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मशीन चलती है, और अभी आपकी इन भाई से बात भी करवाएंगे जिनका ये सब कुछ है, मशीन भी और ट्रैक्टर भी, कि क्या कुछ इसमें खर्चा आता है इनका, और अगर किसी को ये एज अ बिजनेस तौर पर शुरू करना हो तो उसका कितना खर्चा आएगा, मशीन को लेने में कितना उसका प्रॉफिट होया करेगा एक बीघे पे या घंटे के हिसाब पे। तो भाइयों, इनकी ये मशीन है जी। तो आप अपना परिचय दो जी, कहाँ से हो आप? शुगर मिल मोहद्दीनपुर कास्ट गांवड़ी। नाम क्या है जी आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, तो आप कब से कर रहे हो ये काम? ये काम हम 2 महीने से कर रहे हैं जी। 2 महीने से? अच्छा, तो ये मशीन काम कैसे करती है? काम बहुत अच्छा कर रही है जी। अच्छा, दिखाओ कैसे कैसे ईख बुआई जाती है इसमें। इसमें गन्ना इधर भर के ट्रॉली से इधर भर के खड़ा करते हैं। अच्छा, 6 आदमी इसमें काम करते हैं। अच्छा, एक पीछे गन्ना देखता है, कहीं खाली रह जाता उसमें गन्ना डाल। अच्छा, मशीन के पीछे पीछे चलता रहे? हाँ जी, इसमें अच्छा। अंदर इसमें डाई भी चलती है साथ में। अच्छा, इसमें यहाँ पे अच्छा ये हाँ, ये है सब दवाई हाँ, रिजेंट वगैरह भी पड़ी है इसमें? हाँ जी, इसमें सब दवाई खाद डाई भी। अच्छा, और ये जो गन्ने खड़े हैं सीधे हाँ, ये नीचे मशीन में कैसे पहुँचे हैं? ये इसमें गन्ना लगाते हैं जी। हाँ, है इसमें, ये गन्ना लगाएंगे जब चलेगा। अच्छा, ये इसमें हाँ, नीचे चला जाएगा हाँ, तो ये अपने आप कट कट के नीचे जाता है? अपने आप कट कट के 10-11 इंच की काछी। अच्छा, तो ये ऐसे पीछे इससे खूड निकलते रहे नीचे, फिर जो है पीछे यहाँ से इसमें गन्ना जाता रहे। ये जो ये नाल है? अच्छा, खूड निकला, गन्ना गिरता चला अंदर से, साथ साथ मिट्टी करती से, मिट्टी करती चली जा रही है। अच्छा, मेड़ा भी खुद ही मारती चली जा रही है पीछे, मेड़ा भी चलता रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो जो वो खेत अभी दिखाएंगे, वो वाला खेत भी चलने वाला। अच्छा, और खर्चा क्या आता होगा ट्रैक्टर का? जैसे इस पे ट्रैक्टर का, लेबर का, इनका सबका मिला के जी आ जाए इसमें 300 रुपए बीघा। 300 रुपए बीघा, तो 200 रुपए बीघा की इसमें आपको थोड़ा, अगर कोई अपना ये मशीन जो का काम शुरू करना चाहे तो 200 रुपए बीघा बचा सके हाँ जी। लेबर, ट्रैक्टर का डीजल सब हाँ खर्चा काट के हाँ। अच्छा, तो आप हमें अपना नंबर देना। किसान भाइयों, आपको भी स्क्रीन पे भी इनका नंबर दिखेगा, अगर किसी को अपने ईंख बुआनी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है। चलाओ भैया। अच्छा, इस मशीन से हाँ। अच्छा, किसान को काफी आराम मिला है। हाँ जी, मशीन की तकनीक जितनी हाँ। बढ़ती जाओगी आराम मिलेगा ही, क्योंकि मजदूर तो मिलते ना जल्दी से हाँ जी। तो मशीन ही करेंगी खेती हाँ, 15-20 साल में काम करते हैं, 5 साल। तो घंटे में कितनी बीघे ईख बोते हैं ये? 2 बीघे बो देती है। 1 घंटे में 2 बीघे? बीज उतना ही लगा या ज्यादा लगे? बीज 1-2 पूरी उत्पन्न लगती है, 1-8 पूरी उत्पन्न लगती है। अच्छा, बीघे पे? बात बताओ जी, इसमें आप दोबारा मैडम आने की जरूरत ना पड़े? पानी देने के बाद रूटर चला दो। रूटर? पानी देने के बाद रूटावेटर चला दो इसको। अच्छा, रूटावेटर फिर ये फाड़ ना देगा सब कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं फाड़ता, इतनी गहराई बोलती है।
कितने ये खूड कितने इंची पे है तुम्हारे? 28 इंची पे खूड है। तो इस पे ये तुम्हारा ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर है? 50 हॉर्स पावर। तो इस पे इतने बड़े ट्रैक्टर चलेगा, छोटा ना चले? छोटा ट्रैक्टर ना चले। और ये आगे की चीज लगा रखी है आपने? अच्छा, ये जो आगे टैंकर लगा हुआ है ये स्प्रे भी करेगा साथ में? अगर किसी को गाय के साथ स्प्रे भी करानी है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे किस तरीके से ईंख बोई जा रही है। ऊपर से वे भाई जो है उस छेद में गन्ना डाल रहे हैं, गन्ना कट कट के खूड पे आगे खूड निकल रहे हैं, पीछे वो पोरी डल रही है और साथ के साथ मैडा भी लग रहा है और डाई और रीजेंट भी डल रहा है। तो तकनीक बहुत ही बढ़िया है। और इस पे इन्होंने बताया है कि 50 HP से छोटा ट्रैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि लोड का काम है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर पर आगे एक टैंकर लगा हुआ है। अगर किसी को साथ में स्प्रे भी करवाना है तो क्या जी? अच्छा, ये जो है यूपी सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है इस मशीन पे। तो अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना तो आप अपने सोसाइटी में पता कर सकते हैं कि आप ये मशीन कैसे खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, हमने 16 मई को आज ये वीडियो बनाई है। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे, जब इसमें सारी ईंट जम जाएगी तब हम आपको इसका जमाव दिखाएंगे कि मशीन से बुई हुई ईंट का जमाव कैसा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।